कभी इस तरह का स्टार्टर आपने बनाया है, ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है, खाने में इसका टेस्ट लाजवाब है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, कोई भी पैन आप ले सकते हैं, कोई भी बर्तन में इसे बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, तेल को अच्छे से हीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बारीक कटा लहसुन, 3 से 4 बारीक कटा हरी मिर्च ऐड किया है। सबको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है इसमें आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज, अनियन, इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं, बारीक पतला जैसा भी हो। 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ बंद गोभी, पत्ता गोभी मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन सब सब्ज़ियों से। सब्ज़ियाँ डालने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से भून लिया है। देखिए बहुत ही इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है। अब चलिए इसमें डालते हैं शेडेड किए हुए चिकन। मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया था जिनको बॉईल कर लेंगे नमक के साथ और उसका पानी फेंक देंगे और चिकन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में शेडेड कर लेंगे। 1/2 कप पुदीना के पत्ते, 1/2 कप हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट पका लेते हैं। पर मैंने 2 मिनट पकाने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दिया है, वरना ये जो हमारा चिकन है, सब्जियां हैं, वो जल जाएगी। अब इसमें कुछ मसाले पाउडर डालते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। यहाँ पर मैंने फिर भी 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या फिर चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इन्हें एक बॉल में अलग से निकाल कर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने बॉल में निकाल कर रख लिया है, ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त रेसिपी है, आप चाहें तो कोई गेस्ट आ जाए तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं इसमें टोमेटो केचप 1 टीस्पून ऐड करूँगी, मेयोनीज 1 टेबल स्पून, कोई भी मेयोनीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल स्टफिंग रेडी हो चुका है, इन्हें साइड में रखेंगे। मैंने यहाँ पर कच्चा आलू ले लिया है, बड़ी साइज़ का आलू लें, इनको अच्छे से पील कर लेंगे और इसकी साइड की जो पीसेस को हम काट के निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें स्क्वायर शेप में चाहिए। आप देख सकते हैं स्टेप टू स्टेप आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने इन्हें 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब 1 पीसेस में से मैं इसमें 3 पीस करूँगी। को स्क्वायर शेप में काटने के बाद मैंने इसमें से 6 पीसेस तैयार कर लिया है। इनको अच्छे से वॉश करके 1 प्लेट में निकाल लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, इससे थोड़ा सा जो मॉइस्चर होगा ना वो निकल जाएगा। अब मैं इन्हें अच्छे से कोट कर लूँगी। ये भी साइड में रख देते हैं, ये भी तैयार है। यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइस लिया है। ब्रेड की स्लाइस को आप कोई कटर की मदद से या फिर कवर की मदद से सर्कल शेप में काट कर निकाल लीजिए। सभी ब्रेड की स्लाइसेस को इस तरीके से निकाल कर आपको रख लेना है। मैंने सभी बना कर रख लिया है। तो सबसे पहले 1 ब्रेड की स्लाइस को लेंगे, इन्हें पानी में अच्छे से डिप करेंगे। निकालने के बाद हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए सारे जो एक्स्ट्रा वाटर है, पानी है, हमें इन्हें निकाल देना है। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, हाथों से दबा दबा कर निकाल लेंगे। और इसमें बीच में मैं चीज़ क्यूब ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी चीज़ शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टफिंग चिकन की इसमें रख रही हूँ और बीच में आलू की जो हमने स्लाइस कट किया था ना उसे रख कर हाथों से प्रेस करते हुए इन्हें इस तरीके से शेप दे देना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप स्टेप टू स्टेप देखकर आप बना सकते हैं। सभी को इस तरीके से आपको बनाकर रख लेना है। ये हमारा जो स्टार्टर अभी तो तैयार हो चुका है, पर इसकी हम कोटिंग तैयार करते हैं। मैदा 1/2 कप, कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और पानी ऐड करके इन्हें अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे, पेस्ट बनाकर रख लेंगे। ये पेस्ट भी हमारा मैदे का तैयार है। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है।
आप चाहे तो घर में भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। उसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी हमारा तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले स्टार्टर जो हमने बनाया था उनको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज से निकालने के बाद सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगा लेंगे। चारों तरफ हमें अच्छे से हाथों से लगा लेना है, एक भी एरिया बचा ना रहे। हर तरफ हमें इन्हें अच्छे से बनाकर इस तरीके से रख लेना है। ये जो हमारा स्टार्टर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब मर्ज़ी हो, चाहे चाय का टाइम हो, आप बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। सबसे पहले मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से हीट हो जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम में हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका कलर देखिए गोल्डन हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया, बहुत ही प्यारा कलर है। तो मैंने ऑयल से निकाल के गर्मा गर्म चटनी के चप के साथ सर्व करूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।